हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हॉर्नर्स सिंड्रोम। हॉर्नर्स सिंड्रोम बेसिकली आपका कैटल्स के अंदर भी देखा जाता है एंड ह्यूमंस के अंदर भी देखा जाता है। सो बेसिकली ये क्या है, आपका एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है जब आप मोर देन वन सिम्टम्स को एक साथ पढ़ते हैं या फिर उन सबका कॉज एक होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है सिंड्रोम। लाइक योर एड्स इज योर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ड्यू टू वन रीजन, दैट इज HIV। तो ऐसे ही आपका हॉर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्या होने वाले हैं, सिम्टम्स होने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि हॉर्नर सिंड्रोम क्या है एंड लीजन किस लेवल पे होती है एंड क्या चीज इफेक्ट होती है। सो हॉर्नर सिंड्रोम इज बेसिकली अ डिफेक्ट विच इज ऑफ ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाथवे। ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाथवे के डिफेक्ट को बोला जाता है हॉर्नर सिंड्रोम। अब ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाथवे क्या है, ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाथवे है आपका वो पाथवे जो सिंपथेटिक नर्वेशन को कैरी करता है, सिंपथेटिक स्टिमुलस को कैरी करता है। कहां तक, आपकी आईज या फिर अराउंड योर आईज, मतलब इस रीजन को क्या करता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है। उस सिस्टम को, उस पाथवे को बोला जाता है ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाथवे। ऑक्यूलो मतलब होता है रिलेटेड टू योर आईज। ओके, सो दिस इज योर ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाथवे। आपका जो ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाथवे हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो एसोसिएटेड होगा टू योर हेड एंड नेक। सो आपका हेड एंड नेक क्या होने वाला है, इसके अंदर इफेक्ट होने वाला है मेजरली। इन सम कंडीशन आपको दिख सकता है कि पूरी बॉडी के ऊपर जो है क्या दिख जाएगा, इसका सिम्टम दिख जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे हम बात करेंगे। सो दिस इज रिलेटेड टू योर हेड एंड नेक। एंड क्या होता है इसका, ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाथवे के अंदर क्या आ जाएगा, लीजन आ जाएगा या फिर डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। लीजन या फिर डिस्ट्रप्शन का कॉज बहुत सारा हो सकता है, डिपेंड करता है कि लीजन कहां पर है, सेंट्रली है या फिर पेरिफेरली है। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को विद सिम्टम्स। अगर क्लिनिकली कोई आप चीज देखते हैं कि आपको कोई चीज भी डायग्नोस करनी है एंड आपका दिमाग में अगर डायग्नोसिस रखना है हॉर्नर सिंड्रोम का, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि दैट केस इज ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम। तो आपको इन सिम्टम्स को ध्यान में रखना है जो कि आपको आराम से दिख जाएंगे, आप आराम से इनको क्या कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। सो आप इनको एक मेथड से याद रख सकते हैं, HIMAPLE, हाई मेपल, इसका निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग द नेम ऑफ योर हॉर्नर सिंड्रोम। सो हाई मेपल, हर सिंड्रोम अपने आप में बहुत यूनिक है एंड हर सिंड्रोम का आपको पता, हर सिम्टम का आपका लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि क्यों है। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एच। एच का मतलब यहां पर क्या है, हेटरोक्रोमेजिया आयरिडिस। हेटरोक्रोमेजिया आयरिडिस क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं आज, हॉर्नर सिंड्रोम मतलब सिंपथेटिक पाथवे क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है। सिंपथेटिक पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन आयरिस। किसी का आयरिस आपका ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो किस कलर का आयरिस रहने वाला है, किस कलर का प्यूपिल रहने वाला है, वो डिपेंड करता है आपका कि कितना मेलानिन है उस आयरिस के अंदर, उस पिगमेंट मतलब कितना हुआ है, पिगमेंटेशन कितना हुआ है आयरिस का। सो ये पिगमेंटेशन डिसाइड करता है आपका सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर यहां पर सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि फेल हो रखा है, जो कि लीजन आ रखी है, जो कि डिस्टर्ब हो रखा है, तो क्या होगा, आपका मेलानिन प्रॉपरली जो है नहीं जा पाएगा, पिगमेंटेशन नहीं करेगा आयरिस की। जब मेलानिन प्रॉपर्ली नहीं इकट्ठा हो रहा, कंसेंट्रेशन नहीं हो रही, तो क्या होगा, एक आई आपकी क्या होगी, नॉर्मली पिगमेंटेड होगी एंड इफेक्टेड आई के अंदर क्या आएगा आपका, हाइपोक्रोमेजिया। हाइपोक्रोमेजिया मतलब प्रॉपरली, मतलब जितना अमाउंट इसको चाहिए था मेलानिन का, जो कि जेनेटिकली चाहिए था इस आई को, वो नहीं मिलेगा। हर आदमी का आई कलर जो है जेनेटिकली डिफाइंड होता है। मान लीजिए इसके अंदर 20 माइक्रो, मतलब मान लीजिए कि 20 यूनिट चाहिए यहां पर मेलानिन, ठीक है, अब यहां पर क्या रहेगा, 10 यूनिट मेलानिन रहेगा। इसका मतलब इसका कलर जो होगा स्लाइटली डल होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस आई। अब इसका कलर डल है, इसका कलर नॉर्मल है, तो ये दोनों के दोनों क्या लगेंगे आपको, आयरिस अलग अलग लगेंगे, दोनों के दोनों आईज के आयरिस अलग अलग लगेंगे। इस कंडीशन को बोला जाता है हेटरोक्रोमेजिया आयरिडिस। तो लेट मी राइट इट, हेटरोक्रोमेजिया आयरिडिस। नेक्स्ट इज योर आई। बिफोर डिस्कसिंग टू आई, लेट्स डिस्कस एम एंड योर पी, ठीक है, क्योंकि एम और पी जो होते हैं सबसे ज्यादा आप सिग्निफिकेंटली देख सकते हैं आई के अराउंड। तो एम इज योर मियोसिस, एम का मतलब है मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज द कंडीशन जिसके अंदर आपका जो प्यूपिल का अपर्चर होता है, जो आई है, आई के अंदर आपको ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा होगा, ब्लैक पोर्शन, उसके बीच में जगह होती है, इसको क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है। ये ब्लैक पोर्शन है एंड इसके बीच का जो अपर्चर है, इसके क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है। तो ये प्यूपिल का साइज बढ़ सकता है, मतलब डायमीटर बढ़ सकता है, अपर्चर बढ़ सकता है, प्यूपिल का साइज कम हो सकता है। अगर प्यूपिल का साइज बढ़ता है, इस कंडीशन को बोला जाता है मिड रियासिस, विच इज नोन एज मिड रियासिस।
एंड अगर इसका साइज कम होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है प्यूपिल का, इसको बोला जाएगा मियोसिस। ओके, अब इस कंडीशन के अंदर आपको क्या दिखेगा, सिम्टम ऑफ मियोसिस। ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। जो आपका प्यूपिल है, जो आपका आयरिस, चारों तरफ उसका आयरिस होता है, वो सप्लाइड होता है दो टाइप की मसल से। मतलब दो टाइप की मसल्स क्या होती हैं प्यूपिल को बनाती हैं। वन इज योर स्फिंक्टर प्यूपिले, जो कि चारों तरफ होती हैं अपर्चर के, एंड इनका जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्या होता है, इसका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी रेडियल ग्रुप ऑफ मसल्स, रेडियल ग्रुप ऑफ मसल या फिर डायलेटर प्यूपिले। ये क्या करती हैं, ये रेडियली रन करती हैं, रेडियली फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या फिर आउटसाइड टू इनसाइड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये अंदर वाले पोर्शन को बाहर पकड़ के खींचेंगी और क्या हो जाएगा, इसका डायलेशन हो जाएगा, किसका, प्यूपिल का। तो क्या करेंगी, वो मिट्रियासिस। सो जो आपकी रेडियल मसल्स हैं, रेडियल ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, सप्लाइड होते हैं बाय योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे, एस, और ये आपको फाइबर्स दिख रहे होंगे एस शेप। ठीक है, तो एस, एस मतलब हो गया आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि सप्लाई करता है डायलेटर प्यूपिले को। दूसरा जो हमारा रह गया था वो था आपका कंस्ट्रिक्टर प्यूपिले या फिर स्फिंक्टर प्यूपिले। इसको कौन सप्लाई करता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो हॉर्नर सिंड्रोम स्टार्ट करने में मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज बताई थी, क्या हो रहा है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जहां पे डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब ये जो फाइबर्स इसको खींच के रखते थे, जो इसका डायमीटर बढ़ा के रखे थे, वो अब क्या हो गए, फेल हो गए। तब डायमीटर नहीं बढ़ेगा, डायमीटर एकदम से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस कंडीशन को बोला जाता है मियोसिस। सो दिस इज द रीजन कि मियोसिस देखा जाता है हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगले कंसेप्ट पे आते हैं जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो है आपका टोसिस। टोसिस क्या होता है, टोसिस या फिर पटोसिस, जो भी आप इसको बोलते हैं, द गुड प्रोनाउंसिएशन इज और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टोसिस। टोसिस पीस में साइलेंट होता है टोसिस। टोसिस क्या होता है, टोसिस होता है जब आपकी अपर आईलिड क्या कर जाती है, ड्रूप कर जाती है। ड्रूप मतलब नीचे आ जाती है। अगर ये नॉर्मल आपका आई बॉल है, आपकी अपर आईलिड या आगे लोअर आईलिड, तो अपर आईलिड क्या करती है, ड्रूप कर जाती है, थोड़ी सी नीचे आ जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है टोसिस। टोसिस, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टोसिस। अब आप खुद लॉजिकली सोचिए कि टोसिस क्यों हो सकता है। टोसिस इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो आपका अपर आईलिड है वो वीक पड़ गया, या फिर इसको जो नर्व सप्लाई कर लेती है वो पैरालाइज हो गई। ठीक है, तो आपकी जो अपर आईलिड की जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियलिस LPS, ये सबको पता होता है। लेकिन जो डेप्थ की चीज है वो ये है कि आपकी जो आईलिड है, अपर आईलिड, उसकी दो वैली होती है, मतलब वो दो ग्रुप ऑफ मसल से सप्लाइड होती है। फर्स्ट इज योर LPS, आपका दूसरा होता है मसल ऑफ मुलर या फिर म्यूलर, मसल ऑफ मुलर। LPS इज सप्लाइड बाय LPS एंड दूसरी होती है मुलर। आपकी अपर आईलिड की दो मसल्स हो गई LPS एंड मुलर। तो मसल ऑफ मुलर जो होती है वो आपकी क्या होती है, स्मूथ मसल की तरह काम करती है एंड इनवॉलेंटरीली क्या करती है, आईलिड को खोल कर रखती है। LPS क्या होती है, आपकी वॉलेंटरी मसल होती है, जो कि आपकी मर्जी के हिसाब से आईलिड को खोल कर रखती है। मान लीजिए आप सुबह को उठे एंड सुबह आपका मन कर रहा है कि मैं आज उठ जाता हूँ, मेरे को हॉस्टल जाना है, सबका मन नहीं करता, हॉस्टल जाना है, आपने आँख खोली। उस मोमेंट पे जब आप आँख खोल रहे होते हैं, जब आपकी LPS जो है वॉलेंटरीली क्या करा रही है, आईलिड को ओपन कराती है। बट क्या पूरे दिन आपको खोल के रखते हैं कि मेरे को आंख खोल के रखनी है, मेरे को आंख खोल के रखनी है, आप भूल जाते हैं कभी आंख खोलना है, तो आंख बंद थोड़ी हो जाती है, तो वो क्या हो रहा है, इनवॉलेंटरीली मसल ऑफ मिलर उसको खोल के रखती है। नाउ द नेक्स्ट फंडा इज कि LPS को कौन सप्लाई कर रहा होगा एंड मसल ऑफ मिलर को कौन सप्लाई कर रहा होगा। LPS जैसे कि वॉलेंटरी मसल है, इसको कौन सप्लाई करेगा, आपका क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी, क्रेनियल नर्व, मतलब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व नहीं होगी, सोमेटिक नर्व होगी, विच इज योर क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट थिंग इज योर मसल ऑफ मुलर। मसल ऑफ मुलर क्या है, इनवॉलेंटरी मसल है, इसको सप्लाई कौन करेगा, आपका ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से क्या आएगा यहां पर, सिंपैथेटिक सप्लाई। ठीक है, सो सिंपैथेटिक सप्लाई क्या होती है, मसल ऑफ मुलर को सप्लाई करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड यहां पर हमारा क्या डिस्ट्रप्ट हो रहा है, बार बार मैं वही चीज बोलूंगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उससे क्या होगा, मसल ऑफ मुलर पैरालाइज हो जाएगी। मसल ऑफ मुलर पैरालाइज हो जाएगी तो क्या होगा, ड्रूपिंग हो जाएगी, किसकी, आईलिड की। The thing to be noted is that कि इसके अंदर हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर जो होती है ड्रूपिंग बहुत स्लाइट होती है, बहुत कम होती है। लेकिन एक कंडीशन है जिसके अंदर ड्रूपिंग बहुत ज्यादा हो गई, मान लीजिए ड्रूपिंग इतनी हो गई, उस कंडीशन के अंदर अगर ड्रूपिंग इतनी हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आप डायग्नोज कर सकते हैं, हो सकता है कि वो क्रेनियल नर्व थर्ड की क्या हो सकती है, पैल्सी हो सकती है। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है दो मसल, या तो मुलर जाएगी या LPS जाएगी। मुलर जाएगी मतलब हॉर्नर सिंड्रोम, अगर LPS गई तो मतलब ज्यादा ड्रूपिंग होगी,
क्योंकि एलपीएस जो होती है आपकी मेजर रोल प्ले करती है अपर आईलिड के लिए। तो एलपीएस को कौन सप्लाई करता है? थर्ड क्रेनियल नर्व विच इज योर ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व की पैल्सी के अंदर क्या हो सकता है आपका? टोसिस। नाउ द थिंग इज कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी है या फिर हॉर्नर सिंड्रोम है। सो थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी के अंदर आपको ये वाला सिम्टम नहीं दिखेगा, ये वाला सिम्टम एब्सेंट होगा मियोसिस वाला। तो आप ये देखकर पता लगा सकते हैं कि मियोसिस नहीं है तो क्या होगा? थर्ड क्रेनियल पैल्सी है। अगर मियोसिस होगा मतलब आपका जो है क्या कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर बतानी रह गई, वो है मियोसिस के अंदर ही जब आप पेशेंट को देखेंगे, जब किसी भी सब्जेक्ट को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक प्यूपिल बड़ा होगा एंड बड़ा मतलब नॉर्मल होगा एंड दूसरा वाला एबनॉर्मल साइड वाला क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, मतलब मियोसिस हो जाएगा। तो एक प्यूपिल बड़ा लग रहा है, एक प्यूपिल छोटा लग रहा है, इस कंडीशन को बोला जाता है एनिसोकोरिया। जब आपके प्यूपिल का साइज अलग अलग होता है, दिस कंडीशन इज नोन एज एनिसोकोरिया। ओके, अगला है आपका, पहले एल पर आते हैं, लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। और उससे पहले भी पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, एन ऑप्थेल्मोस विच इज एपरेंट, आपको याद रखना है। एन एप्थोल्मोस क्या है? एन एप्थोल्मोस क्या होता है? जब आपका आई बॉल जो कि ऑर्बिट के अंदर होता है, ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ क्या हो रहा है? रिट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ संक हो गया। तो संकन आईबॉल मतलब ऐसा लगेगा कि गड्ढे के अंदर घुस गया आपका आईबॉल, संकन आईबॉल होता है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनएप्थोल्मोस। बट बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर लिखा जाता है एपरेंट एनएप्थोल्मोस। व्हाट इज एपरेंट? एपरेंट का मतलब क्या होता है? एपरेंट का मतलब होता है जब कोई चीज जैसी दिख रही होती है वैसी होती नहीं है, मतलब ऐसी है नहीं बट दिख रही है। सो देखा जाए तो प्रॉपर जो है ट्रू एनएप्थोल्मोस नहीं होता, मतलब किसी और रीजन से एनएप्थोल्मोस नहीं होता, बल्कि एनएप्थोल्मोस इसलिए होता है क्योंकि आईलिड क्या कर रही है? ड्रूप कर रही है। तब आईलिड ड्रूप करेगी तो नेचुरली ऐसा लगेगा कि आईबॉल क्या हो गया? पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो गया, पीछे की तरफ संकन हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपका एनएप्थोल्मोस। नेक्स्ट इज योर लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है? पहले जब भी आप कहीं भी आपने आपको पिंच करते हैं, जब भी आप पेन करते हैं, कहीं भी आपको पिंच उबाते हैं, तो क्या होता है? आपका प्यूपिल जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। वो इसलिए होगा क्योंकि आप जब भी पिंच करेंगे, जब भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी पेन इंड्यूस करेंगे, तो आपकी बॉडी को लगेगा कि अब क्या हो रहा है? स्ट्रेसफुल कंडीशन हो रही है। एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर क्या होता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एंड नेचुरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? मियोसिस। बट इन हॉर्नर सिंड्रोम आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज सप्लाइंग नियर योर आईज, वो क्या हो गया? डिस्टर्ब्ड हो गया। उस कंडीशन के अंदर जो है सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ओके, दिस इज वन कंडीशन। एक मैं रेड कलर से लिखता हूं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एन हाइड्रोसिस और हाइपोहाइड्रोसिस। व्हाट इज हाइड्रोसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोसिस क्या होता है? हाइड्रोसिस होता है स्वेटिंग। हाइड्रो मतलब वाटर, समथिंग रिलेटेड टू वाटर। अगर स्वेटिंग नहीं होगी इस कंडीशन को बोला जाएगा एनहाइड्रोसिस, उस सिम्टम को बोला जाएगा एनहाइड्रोसिस। अगर स्वेटिंग कम होती है उसको बोला जाएगा हाइपोहाइड्रोसिस या फिर ओलिगोहाइड्रोसिस, व्हाटएवर यू वांट टू टेल। एंड अब यहां पर क्या हो रहा है? एनहाइड्रोसिस हो रही है या फिर हाइपोहाइड्रोसिस हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वेटिंग जो कि पसीना आना, स्वेटिंग जो होता है वो कैसे होती है, मतलब क्या मैकेनिज्म होता है स्वेटिंग का। सो स्वेटिंग इज बेसिकली मीडिएटेड बाय योर स्यूडो मोटर फाइबर्स। आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? स्यूडो मोटर फाइबर्स होते हैं जो कि स्वेटिंग को कॉज कराते हैं। क्या होते हैं? स्यूडो मोटर फाइबर्स। तो ये स्यूडो मोटर फाइबर्स कहां से आते हैं, किसका पार्ट होते हैं? स्यूडो मोटर फाइबर्स होते हैं आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो क्या होगा? स्यूडो मोटर फाइबर क्या हो जाएंगे? प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे, जिस वजह से क्या नहीं होगी? स्वेटिंग नहीं होगी। स्वेटिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन को बोला जाएगा एनहाइड्रोसिस। ओके, दिस इज योर एनहाइड्रोसिस। अब एनहाइड्रोसिस फेस के इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, क्योंकि फेस के हाफ राइट को कोई और सप्लाई करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फेस के लेफ्ट हाफ को जो है दूसरा हाफ सप्लाई करता है। मतलब ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? मतलब दो साइड से निकलती है नर्व्स हमेशा स्पाइनल कॉर्ड की। ये वाला हाफ जो है इस वाले हाफ को सप्लाई करेगा एंड लेफ्ट हाफ जो है इसको सप्लाई करेगा। तो एनहाइड्रोसिस होगी इप्सिलैटरल साइड पर। इप्सिलैटरल साइड मतलब ऑन द सेम साइड, मतलब अगर इस तरफ का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है, मतलब अगर इस तरफ के अंदर कोई डिफेक्ट आया है, तो इस तरफ का फेस क्या होगा? एनहाइड्रोसिस का सिम्टम एलिसिट करेगा। एनहाइड्रोसिस विच इज इप्सिलैटरल। ओके, दिस इज योर एनहाइड्रोसिस। सो जो मेजर सिम्टम्स है वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। आई बचा है यहां पर, ठीक है। आई क्या होगा? आई शायद मैं खुद भूल गया हूं, आई मेरे को देखना पड़ेगा, लेट मी चेक।
आई इज बेसिकली योर इंफीरियर आईलिड एलिवेशन, क्योंकि इतना कोई कॉमन सिम्टम देखा जाता नहीं है. आई इज योर इंफीरियर आईलिड एलिवेशन. तो कोई मेजर सिम्टम नहीं है ये, ठीक है. इन्फीरियर आईलिड आपको इसलिए लगेगा उठा हुआ क्योंकि ऊपर वाला आईलिड नीचे आ गया, तब ऊपर वाला आईलिड इसके क्लोज आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं या तो ये वाला आईलिड इसके पास आ गया या फिर ये वाला आईलिड इसके पास आ गया. तो ये दोनों आईलिड एक दूसरे के पास लगेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला आईलिड क्या आ गया, ऊपर आ गया. तो दिस इज योर लास्ट सिम्टम, इन्फीरियर आईलिड एलिवेशन. सो आप इनको याद कर लीजिए, आपको मैंने समझा दिया है पूरा कि कैसे क्या चीज होती है. मैं एक फोटो भी लगा दूंगा देखने के लिए कि हाउ दिस सिम्टम्स आर एलिसिटिंग इन पेशेंट सब्जेक्ट्स के अंदर कैसे कैसे सिम्टम्स दिखेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज, आपको डायग्नोज करना है, ठीक है. आपको एक पेशेंट मिला, ये सारे सिम्टम्स आपने देख लिए, बट आप डायग्नोज कैसे करेंगे कि किस लेवल पर लीजन हुई है. अगर आपको ट्रीट करना है, आपको अगर कॉज पता लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे क्या हुई है, लीजन हुई है किस लेवल पे, क्या हुई है प्रॉब्लम हुई है, ठीक है. तो लीजन के लेवल समझने से पहले हम इसका एक पाथवे समझेंगे, मतलब हॉर्नर सिंड्रोम क्या कहता है, तब हमें पता चलेगा क्या कहता है, फिर पता चलेगा कि कहां इसमें डिफेक्ट आया है, फिर अलग अलग लेवल पर हम क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फाइनल हम पढ़ेंगे दो चार टेस्ट जो कि इसके कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होंगे, किसके, हॉर्नर सिंड्रोम के. सो नाउ मैंने आपको बताया कि क्या ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज योर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां से आते हैं, आपके हाइपोथैलेमस से. सो हाइपोथैलेमस इज द टॉप मोस्ट या फिर सुपीरियर सेंटर फॉर योर सिंपैथेटिक एज वेल योर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. यहां से फाइबर्स जाते हैं अलोंग योर ब्रेन स्टेम फिर स्पाइनल कॉर्ड. यहां से क्या निकलते हैं आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि ब्लू कलर से इंडिकेट करे हैं. इसके बाद यहां से निकलते हैं आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि पास करते हैं किसको, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, एंड रिले करते हैं फाइनली जाकर किसके अंदर, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है. यहां तक क्या हो गया आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन. फिर यहां से क्या स्टार्ट हो जाते हैं आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फाइनली जाकर क्या करते हैं, सप्लाई मसल्स ऑफ योर आई जो कि आपका जो मियोसिस वगैरह कराती थी या फिर आपका क्या कराती थी, प्टोसिस वगैरह कराती थी. ओके, ये चीज आपको समझ आ गई. ये बेसिक सा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये क्या आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और ये क्या आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को आप कैसे समझ सकते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कह दीजिए या फिर सेंट्रल न्यूरॉन कह दीजिए, क्योंकि सेंट्रली प्लेस्ड होता है सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से जो है यहां से ऑलमोस्ट यहां से क्या निकल जाते हैं आपके, कुछ सूडोमोटर फाइबर पहले ही निकल जाते हैं, ठीक है. एंड इसके बाद जो है मोस्टली सारे सूडोमोटर फाइबर यहां से रन करेंगे जो बचे कुचे हो गए. एंड सूडोमोटर फाइबर के साथ साथ ये क्या करता है, ये जो आपकी ब्रांच आ रही है वो क्या करती है, कॉइल करती है, कॉइल अराउंड योर आई सी ए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के आसपास ये कॉइल करती है. एंड इसके बाद ये क्रैनियल कैविटी के अंदर घुसती है, क्रैनियल कैविटी के अंदर घुसती है, फिर ये रन करती है किसके साथ, ये रन करती है आपकी ट्राइजर्मिनल की फर्स्ट डिवीजन के साथ, विच इज योर ऑप्थेल्मिक नर्व. ऑप्थेल्मिक नर्व के साथ रन करती है, फाइनली ऑप्थेल्मिक नर्व एक डिवीजन देता है जिसका नाम होता है लॉन्ग सीलियरी नर्व. लॉन्ग सीलियरी नर्व, तो लॉन्ग सीलियरी नर्व तो सप्लाई करती है कॉर्निया को जाकर, लेकिन ये लॉन्ग सीलियरी नर्व के साथ साथ जाती है. एंड ये कहां पर रुक जाती है आपका, फाइनली जाकर डायलेटर प्यूपिले, क्योंकि डायलेटर प्यूपिले को कौन सप्लाई कर रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो डायलेटर पीपले को सप्लाई कर दिया. बट हमारा एक चीज रह गया, टोसिस. टोसिस वाला पार्ट क्या होता था, मसल ऑफ म्यूलर को सप्लाई करना. मसल ऑफ म्यूलर को सप्लाई करती है, सेम यही करती है, बट यहां से एक डिवीजन निकलती है जो कि साथ जाती है किसके साथ, थर्ड क्रैनियल नर्व. थर्ड क्रैनियल नर्व का नाम क्या होता है, ऑक्यूलोमोटर. ऑक्यूलोमोटर किसको सप्लाई करती है, एलपीएस. तो एलपीएस को तो सप्लाई करने जा ही रही है, फिर इसके साथ जो है ये वाली नर्व भी चल लेती है कि यार मैं भी चल लेती हूँ, मेरे को भी एक मसल को सप्लाई करना है जिसका नाम है मसल ऑफ म्यूलर. तो ये मसल ऑफ म्यूलर को सप्लाई करती है, MOM से लिख दिया, मसल ऑफ मिलर, कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो दिस इज बेसिक सा आउटलाइन ऑफ योर डायग्राम जो कि आपको समझना है. और यहां पर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है, इसके अराउंड कॉइल करती है. तो नाउ हमारी लीजन सेंट्रल हो सकती है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो सकती है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो सकती है. अब देखना है कि क्या क्या चीज हो सकती है जो कि क्या करा सकती है, कॉज करा सकती है किसको, हॉर्नर सिंड्रोम को. सबसे पहले आपकी सेंट्रल लीजन, सेंट्रल लीजन मतलब यहां पर अगर कोई लीजन या फिर डिफेक्ट आता है, सबसे कॉमन होता है पिट्यूटरी ट्यूमर. सेंट्रली पिट्यूटरी ट्यूमर अगर हो गया तो क्या हो सकता है, हाइपोथैलेमस को कंप्रेस कर सकता है. पिट्यूटरी आपका यहां पर होता है,
हाइपोथैलेमस को कंप्रेस करेगा, हो सकता है कि ये वाला पार्ट पैरासिम्पेथेटिक सिंपेथेटिक वाला डिस्टर्ब्ड हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि आपका कोई ब्रेन स्टेम की लीजन हो, कोई चीज, कोई मास हो, ग्रोइंग मास हो जो कि कंप्रेस कर रहा हो ब्रेन स्टेम को, एंड ये वाले फाइबर्स क्या हो जाए, डिस्टर्ब्ड हो जाए। हो सकता है जो ब्लड सप्लाई करता है इस रीजन को क्या हो जाए, वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले इसको और इन्फेक्शन हो जाए, जिस वजह से यहाँ पर डेथ हो जाए किसकी, इन न्यूरॉन्स की। इसके बाद निकलने के बाद हो सकता है कि ये वाला न्यूरॉन कहीं ना कहीं जो है दब जाए, या फिर कहीं ना कहीं ये जो सर्वाइकल गैंग्लियन है इसके अंदर क्या हो जाए, डिफेक्ट आ जाए, कहीं ना कहीं कंप्रेस हो जाए किसी ट्यूमर की वजह से। एंड द मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो कि ये कॉज कर सकता है, दैट इज नोन एज अ पैन कोस्टल ट्यूमर ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है स्पेन, मतलब पेशेंट प्रेजेंट होगा विद हॉर्नर सिंड्रोम एज वेल एज पेन, मतलब पेन हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि पेन जो है आपके शोल्डर के ऊपर हो रहा है, क्योंकि डायफ्राम को भी क्या करेगा, पुश करेगा आपका जब ट्यूमर ग्रो करेगा लंग्स का। हो सकता है कि इसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं रिलेटेड टू हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, क्योंकि आपकी जो है विगस नर्व भी कंप्रेस हो सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, और क्या हो सकता है आपका हॉर्नर सिंड्रोम। सो बेसिकली ये हॉर्नर सिंड्रोम अगर पेन के साथ प्रेजेंट होगा, दैट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पैनकोस्टल ट्यूमर एंड यू हैव टू डू एक्सरे। दिस इज पैनकोस्टल ट्यूमर। अब हम ऊपर आते हैं, ऊपर आप देख रहे थे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एन्यूरिज्म हो जाए, मतलब वो डायलेट कर जाए, तो क्या करेगी, इसको कंप्रेस करेगी नर्व को, एंड क्या कर सकता है इसके अंदर लीजन क्रिएट कर सकता है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लीजन भी कॉज कर सकते हैं इस चीज को। अब हम ऊपर बढ़ते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जहां से पास होती है उसके अराउंड क्या होता है आपका मिडिल ईयर की कैविटी होती है। सो मिडिल ईयर इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली किसको इफेक्ट कर सकते हैं, आपका शॉर्ट सीलरी नर्व को। सो ये फंडा आपको समझ आ गया, दिस इज योर शॉर्ट सॉरी लॉन्ग सीलरी नर्व, दिस इज योर लॉन्ग सीलरी नर्व गोइंग टू डायलेटर प्यूपिले। ये चीज आपको समझ आ गई, वी डिस्कस अबाउट कॉज एंड पाथवे। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आपके पास कोई पेशेंट आया, आप बिना किसी लाइक कोई टेस्ट बताए कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सो द सिंपल फंडा इज एनहाइड्रोसिस देखकर। एनहाइड्रोसिस बॉडी के किस पार्ट पर है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि लीजन किस पार्ट पर है। अगर एनहाइड्रोसिस पूरी बॉडी पर है, मतलब इप्सिलेटरल साइड, नॉट पूरी बॉडी, इप्सिलेटरल साइड मतलब अगर ये पूरी बॉडी है बंदे की, ठीक है, तो अगर इप्सिलेटरल साइड है, इप्सिलेटरल साइड मतलब ओनली एक साइड है, तो क्या होगा, सेंट्रल लीजन होगी, जिस वजह से क्या मतलब पूरा का पूरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है, फ्लॉप हो गया है, जिस वजह से क्या है पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, स्वेटिंग एब्सेंट है। तो इप्सिलेटरल एनहाइड्रोसिस ऑन फुल बॉडी आपको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का लीजन बता देगी। अब आपके पास कोई पेशेंट आया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन हाफ ऑफ द फेस, इप्सिलेटरल हाफ ऑफ द फेस क्या इफेक्ट है, इसका मतलब वो है आपकी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की लीजन। ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझते रहिए। एक तीसरा पेशेंट आया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड, अगर ये सेंटर लाइन है तो इतना पोर्शन, और नोज के अराउंड, जस्ट लेटरली टू द नोज एंड जस्ट लेटरली टू द मिडिल फ्रंटल हाफ। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि लीजन, यहां पर क्या है कि स्वेटिंग एब्सेंट एंड हाइड्रोसिस। ठीक है, तो तीन कंडीशन है, पहले हमने डिस्कस कर लिया, अब ये दो कंडीशन बची जिसके अंदर पूरे फेस पर, मतलब हाफ, पूरे हाफ पर क्या है एनहाइड्रोसिस, इसके अंदर क्या है आपका जस्ट लेटरल टू फ्रंटल हाफ एंड जस्ट लेटरल टू योर नोज स्वेटिंग एब्सेंट है। इस कंडीशन के अंदर आपकी थर्ड क्या होगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की क्या होगी, पैल्सी होगी। आप इसको कैसे समझ सकते हैं वो मैं समझा देता हूं। तो मैंने आपको समझाया था कि कुछ स्टूडियो मोटर फाइबर्स कहां से निकल जाते हैं, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन से। ये जो फाइबर्स होते हैं ये सप्लाई करते हैं आपका मोस्ट या फिर मेजर पोर्शन ऑफ योर फेस, ठीक है, फेस एंड नेक। एंड ये जो फाइबर्स इसके साथ जाते हैं, कुछ स्टूडियो मोटर फाइबर इसके साथ जाते हैं शॉर्ट सिलियरी नर्व के, वो क्या सप्लाई करते हैं आपका, ये वाला पोर्शन को सप्लाई करते हैं। तो अगर थर्ड नर्व के अंदर डिफेक्ट होगा, मतलब ये वाला पोर्शन के अंदर एनहाइड्रोसिस होगा, दैट इज योर थर्ड, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया था, दैट इज योर थर्ड नर्व पैल्सी एंड दिस इज योर सेकंड नर्व पैल्सी। ओके, सो आप इसको ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्लिनिकल, कुछ टेस्ट बताए गए हैं, कुछ टेस्ट जो है डिवाइस किए हैं साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम है या नहीं है। उसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम किस लेवल पर है। सो अब इन टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट है आपका 4% कोकेन टेस्ट। कोकेन का मतलब आपका ड्रग है ना, कोकेन को काफी लोग गलत तरह से यूज करते हैं, बट आप हॉर्नर सिंड्रोम में इसका अच्छा यूज करिए एंड यू कैन डायग्नोस कि इसको हॉर्नर सिंड्रोम है या नहीं है। सो व्हाट कोकेन डज इज दैट, कोकेन क्या करता है, कोकेन किसके लेवल बढ़ा देता है, 4% कोकेन टेस्ट
कोकेन का पहले नॉर्मल मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपको। कोकेन क्या करता है, अगर ये एक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एंड यहाँ पर क्या करेगा ये अपने न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। तो कोकेन क्या करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर को वापस नहीं जाने देता। जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर वापस नहीं जाएंगे तो इनका लेवल साइनेप्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। इफेक्ट बढ़ जाएगा किसका, इन केमिकल का नाम क्या है आपका, नॉन एड्रीनेलिन या फिर एड्रीनेलिन। ठीक है, जब नॉन एड्रीनेलिन या फिर एड्रीनेलिन बढ़ जाएंगे मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मतलब रिफ्लेक्स बढ़ जाएंगे एंड आपका एग्जैजरेटेड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखेगा। सो अगर एक नॉर्मल आई है, मतलब जिसको हॉर्नर सिंड्रोम नहीं हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ जाएगा। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको सप्लाई कर रहा था, आपकी आई की, या आप 4% कोकेन आई के ऊपर डालते हैं एज ड्रॉप्स, किसको सप्लाई कर रहा था, डायलेटर प्यूपिले को। तो डायलेटर प्यूपिले नॉर्मल है तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका क्या करा देगा, डायलेशन करा देगा, जिस वजह से मिडरियासिस होगा नॉर्मल पेशेंट के अंदर, नॉर्मल सब्जेक्ट के अंदर। बट इन केस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भाई देखो हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या है, बेसिकली केमिकल्स बन ही नहीं रहे, यहाँ पर कोई ना कोई लीजन है, कोई ना कोई डिफेक्ट है, जिस वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर है ही नहीं। जब यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर है ही नहीं तो कोकेन क्या करेगा, किसे बढ़ाएगा, कोई बचा ही नहीं यहाँ पर, तो कोकेन का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, जिस वजह से यहाँ पर कोई डायलेशन नहीं दिखेगी, डायलेशन एब्सेंट होगी हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर विद 4% कोकेन टेस्ट। नेक्स्ट इज योर एप्राक्लोनिडीन टेस्ट। 4% कोकेन टेस्ट के बाद आता है आपका एप्राक्लोनिडीन। एप्राक्लोनिडीन क्या होता है, एप्राक्लोनिडीन बेसिकली अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर पर काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। एप्राक्लोनिडीन किस पर काम करता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 पर, और मेजरली किस पर काम करता है, अल्फा 2 पर, अगर मैं एक ऑप्शन चूज करूं तो। सो ये आपका एक न्यूरॉन आ रहा है, ये आपके पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, तो अल्फा 2 के रिसेप्टर्स ये वाले होते हैं एंड अल्फा 1 के रिसेप्टर यहां पर होते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। यहां से आपका क्या निकल रहा है, नॉन एड्रेनालिन। नॉन एड्रेनालिन क्या करता है, अल्फा 2 पर काम करता है, और क्या करता है इसका, नॉन एड्रेनालिन का सेक्रीशन कम कर देता है, मतलब जो है फीडबैक मैकेनिज्म से क्या कर देता है, नॉन एड्रेनालिन के लेवल कम कर देता है। ये नॉर्मली होता है। आप क्या डाल रहे हैं यहां पर, एप्राक्लोनिडीन। एप्राक्लोनिडीन अल्फा 2 पे काम करता है। एप्राक्लोनिडीन जब अल्फा 2 पे काम करेगा तो क्या होगा, लेवल्स किसके बढ़ा देगा, नॉन एड्रेनालिन के, क्योंकि नॉन एड्रेनालिन हम इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, इसको आपने ऑलरेडी जो है क्या कर दिया है, ब्लॉक विद एप्राक्लोनिडीन, तो किसके लेवल बढ़ जाएंगे, नॉन एड्रेनालिन के। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। अब कोई पेशेंट है हॉर्नर सिंड्रोम का, हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, नॉन एड्रेनालिन बन ही नहीं रहा है, यहां पर कोई लीजन आ गई है, तब नॉन एड्रेनालिन नहीं बढ़ेगा, बनेगा तो क्या होगा, यहां पर अल्फा 1 रिसेप्टर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है, अगर कोई हार्मोन, अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उस मैकेनिज्म को बोला जाता है अपरेगुलेशन। सो इनका क्या हो जाएगा, अपरेगुलेशन हो जाएगा, तब इन रिसेप्टर का अपरेगुलेशन हो जाएगा एंड अब इस कंडीशन में आपने क्या दे दिया, एप्राक्लोनिडीन। तो एप्राक्लोनिडीन अल्फा 2 से ज्यादा किस पे काम करेगा, अल्फा 1 पे काम करेगा। अल्फा 1 पर जब काम करेगा तो हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाएगा, डाइलेशन, क्योंकि अल्फा 1 के ऊपर जब काम करेगा, अल्फा 1 क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है किसका, डायलेटर प्यूपिले का। डायलेटर प्यूपिले पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा एक्ट, तो क्या होगा वहां पर, डायलेशन। सो डायलेशन देखा जाएगा किसके अंदर, इन योर हॉर्नर सिंड्रोम का पेशेंट। एंड डायलेशन नहीं देखा जाएगा किसके अंदर, इन नॉर्मल पर्सन के अंदर डायलेशन नहीं देखा जाएगा, या फिर आप कह लीजिए तब नॉन एड्रेनालिन के लेवल कम करा देगा एप्राक्लोनिडीन यहां पर काम करके, तो क्या होगा आपका, डायलेशन नहीं देखा जाएगा। अब हम आते हैं आपका लास्ट वाला टेस्ट, जो कि बेसिकली एम्फेटामिन टेस्ट है। एम्फेटामिन टेस्ट इज बेसिकली टू डिसाइड या फिर टू लोकलाइज लीजन की किस लेवल पर हुई है, मतलब फर्स्ट सेकंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट करा जाता है किससे, थर्ड से, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज किया जाता है फर्स्ट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की लीजन को डिफरेंशिएट किया जाता है थर्ड ऑर्डर की न्यूरॉन से। दैट इज योर एम्फेटामिन टेस्ट। एम्फेटामिन क्या करता है आपका, इन न्यूरोट्रांसमीटर से क्या निकलवा देता है, नॉन एड्रेनालिन के लेवल बढ़ा देता है। अगर आपने एम्फेटामिन दिया इन केस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम, तो हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर आपने एम्फेटामिन दिया, इसका मतलब नॉन एड्रेनालिन के लेवल बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो नॉन एड्रेनालिन बन ही नहीं रहा है ड्यू टू एनी डिफेक्ट ऑफ थर्ड नर्व। तो थर्ड नर्व की अगर लीजन होगा तो यहां पर क्या नहीं होगा, नॉन एड्रेनालिन नहीं होगा। तब नॉन एड्रेनालिन नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर क्या नहीं होगा, डायलेशन नहीं होगा, इसका मतलब मिडरियासिस नहीं होगा। मिडरियासिस का मतलब डायलेशन होता है, तो मिडरियासिस यहां पर अगर एब्सेंट होगा, इसका मतलब थर्ड नर्व की लीजन है। और अगर आप इसको
देते हैं एम्फीटामिन और यहाँ पर अगर मिडरियासिस हो जाता है इसका मतलब लीजन यहाँ नहीं है, लीजन फर्स्ट एंड सेकंड न्यूरॉन के साथ है। यहाँ पर जो है नॉर्मली क्या बन रहा है आपका नॉन एड्रेनालिन बन रहा है, इससे पीछे के न्यूरॉन्स के अंदर क्या डिफेक्ट है। तो दैट इज योर एम्फीटामिन टेस्ट। एंड इसी के साथ हमने हॉर्नर सिंड्रोम यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। हॉर्नर सिंड्रोम देखा जाता है दोनों के अंदर ही देखा जाता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेटनरी स्टूडेंट एज वेल एज मेडिकल स्टूडेंट्स। एंड कैटल्स के अंदर बेसिकली कम देखा जाता है, डॉग्स के अंदर ज्यादा देखा जाता है। एंड इसके मैं कुछ फोटोज भी लगा दूंगा बीच बीच में अगर मेरे को मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एक बार और देख लेना वीडियो, आपको पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू।